आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। स्वाति मालीवाल ने इस लेटर में जनवरी 2024 में उनके इस्तीफे के बाद DCW को व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं करने की शिकायत की है। उन्होंने इसे एक सिस्टमैटिक नष्टी की बात बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार ने 2015 से चल रहे सिस्टम को ध्वस्त किया है। स्वाति मालीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि DCW के बाद दिल्ली के महिला सुरक्षा में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले नकारात्मक शक्तियों को मात देने की जरूरत है। स्वाति मालीवाल ने इसे संबंधित सरकारी विभागों को भी सूचित कर दिया है। उन्होंने अपने चिट्ठी में कहा कि इस समय जब महिलाओं के लिए सुरक्षा में स्थिति गंभीर है तो सरकार को योग्य उत्तरदाताओं को चयन करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि DCW के उनके कार्यकाल में 15,000 मामलों को सुलझाया गया था और 6,000 महिलाओं को न्याय पहुंचाया था। स्वाति मालीवाल ने अपने पत्र में कहा कि वे समाज के उस वर्ग को नहीं देख सकती जिन्हें न्याय और सम्मान की अधिक जरूरत है और सच्ची जरूरत है, और उन्हें इस कार्यालय में जो कुछ भी संभव था उन्होंने किया है।